सूखी रोटी नहीं खा सकते आप भी? मैं तो खा लेता हूँ। अच्छा मेरे लिए रहता है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक था कंजूस आदमी। मट्टी जो मेरे अब्बे की है जी, वो मेरे अब्बे ने दी। ये मेरी बेगम के अब्बे की है। अच्छा मेरे अब्बे की मट्टी में रखेंगे आप? नहीं ला के देते तो फिर यही हाल होता। हाँ, अभी जी तीन चार हैं बाल ऊपर सर के ना, देखे मेरे ना, मुझे नहीं है कि मैं इनको खत्म करवाऊं। राजे के पास मैं जाता ना, वो दूसरे लोगों से अगर 100 लेता है तो मुझसे 150 रुपए लेता है, बोलता भाई आपके ढूंढ ढूंढ के काम। मम्मा आज सुबह के गए हुए ना, बता के गए हैं ना, पूछ के गए हैं। फिर हमने मशीन लगा ली है, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। क्या ये चल तो गया जी पंखा? आप कहती पंखा नहीं चलता। ये 120 ठीक है 320 रुपए हो गए जी। ये देखें ये जाते हैं। आज मम्मा आटा गूंद रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, फिट फाट हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज हमारा जी व्लॉग स्टार्ट हो गया है। कौन सा बेगम, सुबह का या शाम का? शाम का। शाम का? हाँ जी। सही बात है, पक्की बात है, मुझे लगता है। चलो फिर आप सुबह का बना रहे। अच्छा बेगम पे के मुँह पे वैसे फूल खिल रहे हैं वैसे हैं। दोपहर को बहुत गर्म थी, लाल सुरख हो गया था मुंह गुस्से से। आप देखो जी चहचहा रही है। तो आप क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कहा गया है? धमाल क्यों डाल रहा है किस बात में? अच्छा जी, अच्छा तो जी मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? काम। कौन सा काम जा रहा हूँ मैं? मुझे तो याद ही भूल गया कौन सा काम जा रहा हूँ। बस काम जा रहे। अच्छा काम जा रहा हूँ, तो फिर बहन भाइयों को साथ ले जाऊँ? ले जाओ। नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा, इधर कहेंगे हमें कुछ चीज़ लेके दे, फिर मैं कहाँ से ले लूँ, पैसे मेरे पास नहीं है। चलो ना लेके दे, मुझे साथ ले जा। अच्छा नहीं लगता कुछ नहीं, बहन भाइयों को कुछ चीज़ ना लेके दूँ ये अच्छा नहीं लगता। और आपने तो आपने उधर जाके ज़्यादा मांगनी है चीज़। अपने बहन भाइयों को ले जाए, मुझे ले जाए। उधर कहते हैं बहन भाइयों को भी साथ ले जाए, इधर कहते हैं हमें भी साथ ले जाए। पता नहीं लगता थोड़ा कोई चीज़ मांग लो तुम। तो मैं जी फिर जावा बाजार जा रहा हूँ जी, मैं जाऊँ बाजार। मेरा मोटरसाइकिल किधर है? इधर नीचे खड़ा था, कहाँ गया? ये तो चूल्हा बड़ा, मोटरसाइकिल किधर है? मोटरसाइकिल का चूल्हा बन गया। ये दुकान खराब हो गया, मोटरसाइकिल का चूल्हा बन गया। माँ ने स्टार्ट कर दी दिया जी मोटरसाइकिल मेरे। अच्छा तो जी मैं जा रहा हूँ जी बेगम को ला के देने जी। मैंने को पाइया पाइया घी ला के दूँ? कितना घी? पाइया ला के दूँ? बहुत है, एक स्टंक ला दे। पाइया ला दे, मैं भी अंदर रख के ना तेरे घी मम्मा के ऊपर से रोटी घुमा के दे दिया करूँ। अच्छा अच्छा वो जी बहन भाई, वो पाइया से और घुमाने से ना याद आया एक कंजूस आदमी था। मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ। एक था कंजूस आदमी, सुनी आपने कहानी? हाँ जी। कंजूस आदमी था, तो वो इतना कंजूस था कि वो ना जब वो रोटी जैसे चोपड़ते ना घी लगाते रोटी को, तो वो रोटी के ऊपर घी नहीं लगाता था। घी को डब्बे में डाला हुआ था, तो बांध दबा होता था घी वाला, तो रोटी पकाता था। रोटी पका के ना तो डब्बे के बाहर बाहर ना वो रोटी को घुमा लेता था। तो मेरे भी ऐसे ही कर रहे। अच्छा डब्बे के बाहर रोटी घुमा के ना तो वो रोटी दे देता था बच्चों को, और बच्चे बड़े खुश होकर रोटी खा लेते, हमने जी घी वाली रोटी खाई है। तो कुछ दिन के लिए ना उसको जाना पड़ गया कहीं काम। तो जब वो कहीं गया तो उसको याद भूल गया कि मैं घी जो है ना बाहर रख के जाऊँ। उसने घी को ना अलमारी में रख के ताला लगाया हुआ था कि बच्चे कहीं पीछे से खा ना जाए। तो जब वो गया ना उधर कहीं मेहमान, उसको याद आया भी मेरे बच्चे रोटी कैसे खाएंगे, घी तो मैं अंदर रख के आ गया, वो तो सूखी रोटी होगी। उसने कहा अच्छा कुछ करेंगे जाएंगे तो पता चलेगा। तो जब वो वापस आया ना तो उसने बच्चों से पूछा भी बच्चों मैं घी तो अंदर रख गया था, आपने कैसे रोटी खाई फिर? वो कहने लगे बाबा हमने चौपड़ के खा ली थी। वो कहता कैसे? कहता हमने अलमारी के बाहर से ना रोटी को घुमा लिया था, ऊपर फेर लिया था, रोटी चौपड़ी गई तो हमने खा ली। तो उसने ना जूता उतार लिया। कहते बेगैरत इंसान तुझे शर्म नहीं आती? अगर एक दो दिन आप सूखी रोटी खा लेते तो क्या मर जाते, मौत आ जाती तुम्हें? हैं कभी तो आदमी सूखी रोटी खा ले, हर वक्त आप घी वाली रोटी, हर वक्त घी वाली रोटी, हर वक्त घी वाली रोटी हैं। तो वही बात बेगम को मैं बता रहा हूँ कि आपने ना ऐसे करना है कि आपने आप घी ना लेके ना वो आटे वाली मट्टी होती है ना जी, वो जो पड़ी है सामने, किधर पड़ी है? इधर पड़ी है बाबे वाली, ये पड़ी है जी। नहीं ये तो मेरी है। अच्छा ये तेरी है? हमारे बाबा की वो है। अच्छा मेरे अब्बे की ये है जी, ये उसके अब्बे ने दिए थे, संभाल के रखी हुई है। ये मट्टी जो मेरे अब्बे की है जी, वो मेरे अब्बे ने दी। ये मेरी बेगम के अब्बे की है। अच्छा मेरे अब्बे की मट्टी में रखेंगे आप? ये जी ये रखेंगे मेरे अब्बे की मट्टी में, और ऊपर से लगाएंगे ताला इन बच्चों से छुपा के रखेंगे ऐसे। तुझे तो पहले ही मुझे तो पता है, तुझे ना ये सूखी रोटी नहीं नंगती। हाँ जी।
इसको ऐसा करना है ड्रमी में रोटी रखनी है। अच्छा। ड्रमी रखनी है कमरे में, कमरे को लगाना ताला। अच्छा। ये भी बता, दरवाजे के ऊपर ना आपने कोई मिट्टी का ले वगैरह लगा देना है। वो मिट्टी ऊपर घुमा लेगा। शर्म नहीं आती, एक दिन सूखी रोटी नहीं खा सकते आप भी? मैं खा लेता हूँ। ये नहीं खाता, ये नहीं खाता। अच्छा, अब इसका भी कुछ करना पड़ेगा। हम सब खा लेते हैं, मैं भी खा, आप भी नहीं खाते। मैं भी नहीं खाता, आप भी नहीं खाते। हाँ यार, ये भाई जो बहन भाई हो, अच्छा मेरे लिए रहता है। आपके लिए रहता है। चलो ठीक है, आप सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं अब जाऊँ, मेरा मोटर निकाल। अस्सलाम वालेकुम निशान भाई, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है और काम कार ठीक है? तो व्यूअर, मैं पहुंच गया हूँ जी भाई निशान के पास। मैंने कहा किलो चीनी, किलो घी, कोई पाइए पत्ती छत्ती ऐसा कुछ दो तीन ऐड में ले लें, क्योंकि आज आपको पता है कि बड़ी गर्मा गर्मी हुई है। तो मैंने कहा गर्मा गर्मी होने से बेहतर है कि पहले थोड़े थोड़े सौदे ला कर घर में रख दूँ, ताकि एंदा भी रोटी मिले। ऐसे निशान भाई, नहीं तो रोटी मिलना मुश्किल है। अगर नहीं ला के देते तो फिर यही हाल होता। हाँ, ये हाल देखें, ये हाल जो भाई निशान ने दिखाया, ये देखें भाई, इससे बेहतर है अपना बंदोबस्त। अभी जी तीन चार हैं बाल ऊपर सर के ना, देखें मेरे ना, मुझे मेरा इरादा नहीं है कि मैं इनको खत्म करवाऊँ। इसकी एक और भी वजह है, जब राजे के पास मैं जाता हूँ ना, वो दूसरे लोगों से अगर 100 लेता है तो मुझसे 150 रुपये लेता है, बोलता भाई आपके ढूंढ ढूंढ के काटने पड़ते हैं। लेकिन इस यार भाई के बाल जो है राजा काटता है, ढूंढ ढूंढ के निकालता है, कहता भाई आपका 150 रुपया लूंगा। तो कौन कौन से तीन लिए हैं? अकेला अकेला करके बताओ, इधर सामने करो। हाँ, ब्रश दो ले लो भाई, तीन वाला फ्रेम है, ब्रश दो। और सिक्के का लाइन देखना, और वो मेरी कान छोटी में ख़राब जाता है, और वो जैकेट भी ब्याह वाला है, ब्रश ख़राब कर। और अब नहीं आप बहुत माला फ्रेम फ्रेम ये ले जी। ये कितने कितने का? ये 120। ठीक है। ये वाला 90। ठीक है, 90 रुपये का। ये वाला 60। ठीक है, ये 250 के आपको और डिस्काउंट करेंगे, 250 250 रुपये में तीन। ठीक है, 270 का बना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। 30-30 के दोनों कलर। ठीक है, 20 का ब्रश। ठीक है, 320 का टोटल। ठीक है, 320 रुपये होगा जी। संग में पैसा मिल गया। ये ले भाई, और कुछ है? बस मेहरबानी, थैंक यू जी। यार ये क्या 300 मैं दूँ? 280 रुपये माने यार, मैंने 280 रुपये माने। ये देखें जी, 300 रुपया जी मुझे जुर्माना अदा करना पड़ रहा है, जो सुबह मनाहिल ने ख़राब किया। ये देखें, मैं 300 रुपया दे रहा हूँ भाई। ठीक है, दे दिया आपको 300। चले हम चले, चलो कड़ी ले गया ये जी, अपनी बहन के लिए ले रहा है जी गुड़िया डोल छोटी सी। हाँ जी, टोपी भी पहनी हुई है इसमें, माशाल्लाह। चलो भाई चलें। तो व्यूअर्स, मैं जी घर पहुंच चुका हूँ। ये देखो, ये मैंने सौदे ला दिए हैं, घी है, चीनी है, चने हैं और मसर की दाल है। ये नहीं जी जनाब, अब खाना मिल जाएगा? हाँ जी। अच्छा जी, ये आपकी चीनी, घी एक किलो, एक किलो चीनी, चने सफ़ेद और काले और दाल। तो रोटी तो नहीं, आप चौपड़ के देनी है कि घी रा के दिया मैंने? मैं इतने लेके आया, आपने तो कहा था पाइया लेके आना है, हम तो फिर भी एक किलो लेके आए। किलो ले, ये इनको ले दिया जी मैंने, जो मनाहिल ने खराब किए थे ना, मैंने इनको भी ले दिया ये सामान। ये देखें, तीन लेके दिए हैं, तीन लेके दिए हैं, हमने अपने पैसे से दिए। एक मेरा, हां तेरा, छोटा ये देखें, ये तीन लेके दिए जी। वो छोटा मेरा आपके पास है ना, वो आपके पास है ना, खराब तूने किया ना? खराब इसने किया, बस अब और नहीं मिलने, अब नाम भी नहीं लेना। वो गुड़िया लेके दिया आपको इन्होंने, ये देखिए 50 रुपए की, 50 रुपए की आई है गुड़िया। आपकी क्या 14 का सर, कोई पैसे नहीं मांगने। हां, किसी ने कोई पैसे नहीं मांगे, फलाना कोई कहता का कर सुन लिया, यही ब्याह चाहिए सारा कुछ तोड़ा। हां जी, अब कोई नहीं पैसे मांगेगा, जिसने पैसे मांगे फिर उसको जूते पड़ेंगे। ठीक है, हमारे काम पे आ गई औरतों का काम होता तीली लगाना, आज आपने शुरू कर दिया ना तीली लगाना। हाँ जी, औरत ही हो, औरत तो है। ये देखें, आज तीली लगा रही है जी, सच में जल गई है। ये देख ले विपर, ये लगा रही है, क्या लगा रही है? तीली, तीली लगा रही हो? तीली किसको लगा रही हो? लगा दी उंगली पे, लगा दी तीली। नहीं,
गर्म है यार, हाथ जला रही है। ओ ये देखें, हाँ जी आपके कोयला जल रहा है अभी। हाँ अभी भी जल रहा है, गला खराब हो जाएगा। चाचू ने देखा ना तो फिर उसने डांटना है आपको। उसने कहा ना ये गोले गंडे खाते हैं, बीमार हो गए। फेंको इसको दोबारा, आज के बाद गोला लेके देना। किसने लेके दिया इसको गोला? मम्मा ने पैसे ले लिए, मुझे पैसे मांग रही थी, मुझे क्या कोई करता क्या। दोबारा आज के बाद इसकी खर्ची बंद, ये गोले खाती है। गोले खाती है, इसकी खर्ची बंद। हाँ जी, जो जो भी गोले आपकी भी बंद, इन सब लोगों की टोटल खर्ची बंद, मेरे अलावा मनाहल की भी। ठीक है, ये गोले तो खाते है। ओ, ओ, ओ। आपने गोला खाया ना अभी? गोले ही। हाँ, इसलिए खर्ची बंद आपके। असलम भाई का गेट बनवाना है, उसके लिए हमने चादर लेनी है। चादरें तो चादरें जी माशाल्लाह ये पड़ी हैं, चादरें पड़ी हैं, बहुत हैवी चादरें। इधर प्रेसिंग होती है, डिजाइनिंग बनती है गेट की चादर की, वो आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ, वो प्रेस लगी हुई है जी जी माशाल्लाह। ये चादरें जैसे ये प्रेस हुई हैं, ये बड़ी, ये बारीक से बारीक गेज की चादर होती है ना, ये जब प्रेसिंग है ये उसको भी मजबूत बना देती है, गोला बन जाता है। ये मशीन चल रही है, प्रेसिंग हो रही है इधर। ये देखें, ये जैसे डिजाइन बन रहा है। पहले बिल्कुल प्लेन होती है, जैसे ये चादर बड़ी है ना ऐसी, तो ये देखें ये डिजाइन। इस मशीन में डाल के ना ये डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे ये बने हुए मजबूत हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ चलो जी, एक जगह पे कढ़ाई हो रही है, उधर कढ़ाई कटिंग कर रहे हैं, इधर बैंडिंग हो रही है ज़्यादा। बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, एक दो तीन चार, अच्छी बहुत अच्छी। मम्मा आज सुबह के गए हुए ना बता के गए हैं ना पूछ के गए हैं, ऐसे घूमने फिरने था जो असलम के साथ चल जाते हैं। मिस्त्रियों का पता करने गए हैं तो पता नहीं हमें कहाँ गए हैं। हम तो बाबा जब जाते थे हमें तो शाम पता करने गए थे। हाँ जी, जब जाते हैं तो हमको बता के जाते हैं। आज हमको बता कर भी नहीं गए। आज हम बाबा को आने दे, मैं पीटूंगी बाबा को, पूछूंगी बाबा, पूछूंगी बाबा कहाँ गए थे आप। मैं बाबा कहेंगे ना मैं कहीं चाचू गया था, मैं कहूंगी बाबा बिरयानी खाई है। ये चल तो गया जी पंखा, आप कहती पंखा नहीं चलता। सलाह चला गया सची, मैं खप गई। अच्छा, कभी अंदर लाओ, कभी बाहर लाओ, कभी अंदर लाओ। इसको उनको बोल के आना, इसका सर भी लमक गया। मैं उसको कह के आऊंगा। देखें जी, आज मैं बना रही है चीनी वाला पराठा। सब के लिए नहीं बना रही, बाहर के लिए बनाया, आप ही के लिए बस। हाँ जी, गैस है नहीं, थोड़ी थोड़ी गैस है। अस्सलाम वालेकुम बहन भैया, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। क्या रहा है, कुछ है फूलों की तरह रास्ते मुस्कुराते हैं अपने घरों में, अपने बच्चों में शाद बांध रहे हैं। सुबह की रूटीन शुरू हो गई है। मुझे तीन बार पराठा बना के ना, आज मैंने तीन बार पराठा बना कर लिया। मुझे पहुँचे, ये देखिए नल का पराठा बन गया, तो पराठा खा रही है। अच्छा अंकल, यार क्या है, मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मैं चीनी वाला पराठा खा रही हूँ। ये देखिए जी, आज फिर हमने मशीन लगा ली है, क्योंकि बच्चों गर्मी बहुत है, रोज कपड़े चेंज करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, अस्पताल पढ़ने जाते हैं, तो कहते हैं कपड़ों में स्मेल आती है। तो फिर मैंने कहा आज फिर मैं एक मशीन लगा लो, तीन दिन हो गए, तीन तीन जोड़े, तीन माध के, तीन रिहान के, तीन मनाल के, दो इसके बाबा के। आज मम्मा आटा गूंद रही है। हाँ आज गूंद रही हूँ, पहले मनाल ही गूंदती है। कपड़े मैंने धो लिए हैं, धो के फारग हो गई थी, 11:30 हो गए हैं, जब कमरे में गई 11:30 हो गए हैं। तो मैंने कहा सुबह आटा नहीं गूंदा था, आपने थोड़ा सा गूंदा था, मैंने कहा दोपहर का और शाम का गूंद के इकट्ठा ही रख लूं। सुबह रखे थे गैस थी, तो मैंने रख ली हांडी, देखे तो यहाँ दूध रखा हुआ है, गैस आएगी फिर चला दो चूल्हा। बिजली का इतना बिल आता है, फिर लाइट जला लिया। अंधेरा है ना, आपकी शक्ल मुझे नजर नहीं आ रही थी, मैंने इसलिए। मेरी शक्ल वैसे नजर नहीं आनी अब आपको, क्यों अब तोरे फेरे वाले हो गए ना। अच्छा, तोरे फेरे वालों को शक्ल नजर नहीं आती बीवियों की? नहीं, इसका मतलब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है क्या भी मैं बाहर जाता हूँ कहीं घूमने फिरने? तो बता के नहीं जाते,
नहीं इसमें बस शक्ल नजर आने वाली कौन सी बात है, बता के तो मैं नहीं जाता, वो तो चलो ठीक है मैं नहीं आज बता के पहले बता के जाता हूँ। फिर आज बता के जाना था ना, आज काम था ज्यादा तो बता के जाना था आपने। अच्छा तो अपना बात जो है बहुत ही ऊट पटांग करती है। ऊट पटांग कौन सी होगी ये जी? आप बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो आपको जनाब बीवी की शक्ल याद रहे। गर्मी बहुत है। गर्मी है किचन में खड़े आप कह रहे थे मैं ना आपको वो लगवा के दूंगा। मैंने कहा था चूल्हे में एसी लगवा दूंगा। बस करया करो अच्छा यार, चूल्हे में एसी इधर बर्फ का कोला भर के रखा है। मैंने अब बहन भाई आपको बताया ना ये आज काम कहते हैं ना साल बाद करते हैं, इसने मुझे कहा था आज से दो चार महीने या पाँच महीने पहले कहा था मैं आपको ना इधर लगा के दूंगा पंखा जो इधर इधर। मैंने एग्जॉस्ट कहा था बहन भाई, मेरे पास ना बजट कम हो गया था इसलिए मैं नहीं लगवा। इसने मुझे कहा था छह महीने पहले की बात है। छह महीने जब ये हमारे किचन बने हुए? नहीं नहीं जब पहले बना था पहले की बात है ये। अच्छा हाँ जी, जब जब ये किचन बना था ना उस वक्त आपने कहा था मैं आपको एग्जॉस्ट ला के इधर ला के लगा के दूंगा। इधर लगाना एग्जॉस्ट? इधर गर्म हवा फिर पड़ोसियों के घर में जाएगी, वो फिर कहेंगे हमारे घर गर्म हवा भेजते हैं। पड़ोसी नहीं है? मैंने इसलिए बाजार तो है ना सामने गेट है उनका, वो जब भी गेट से निकलेंगे गर्म हवा पड़ेगी उनको भी, गैस भी चली गई है। अभी बेगम जो है ना वो फुल गुस्से में हो गई है क्योंकि गैस चली गई है, तो मैं ना मुनासिब यही समझा कि मैं किचन से बाहर आ जाऊँ। मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं जल्दी से किचन से बाहर निकलूँ ताकि अपनी भी बचत करूं और बेगम की भी। अरे बहन भाइयों मैं ना सुबह और शाम को दो दो व्लॉग डालता हूं, वो इसलिए डालता हूं कि मेरे ना कोई इनकम हो सके। तो आप यकीन करें दुकान पे बैठ बैठ के आ जाता हूं, काम नहीं होता, बच्चे मैं करके जाता हूं, बच्चे दुकान पे लाजमी होते हैं, हम दुकान बंद नहीं रखते तो काम नहीं होता। वो हालात ही काम कैसे हो गए, तो इसलिए हमने यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है ताकि हमारे कोई सिस्टम चल सके घर का अखराजात का और सारा सिस्टम जो है हमारा सेट हो सके। तो आज कितने दिन हो गए अभी दुकान पर काम आया ही नहीं है तो फिर बहुत टेंशन हो जाती है। आप लोग भी वीडियो पे आते हैं, जो मेरी वीडियो पे आते हैं मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हम सब की वीडियो देखते हैं तो व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, कभी 40 कभी 50 कभी 100 कभी 150 150 से ऊपर 150 साठ के ऊपर नहीं जा रहे। तो मेहनत भी बड़ी करते हैं वीडियो के ऊपर, पता नहीं क्या है हमारे व्यूज़ नहीं चढ़ रहे। लोग ऐसे हल्की सी वीडियो बना के फेंक देते हैं तो उनके के लग जाते हैं, दो आधे घंटे में 3K 4K 5K व्यूज़ हो जाते हैं। पता नहीं हमारी किस्मत ही ऐसी है या आप बहन भाई कुछ हमारे साथ तामन नहीं कर रहे, तो आप तामन करें हमारे साथ ताकि हमारा जो सिस्टम है वो चल सके हमारे चैनल का भी। दो वीडियो डालने का मकसद यही है कि जल्दी जल्दी को इनकम आने शुरू हो जाए, डॉलर बनने शुरू हो जाए। तो कैसे तो मैं तो कभी कभी ना मेरा दिल करता है कि मैं ना चैनल छोड़ दूँ, मैं जितनी मेहनत इस पर कर रहा हूँ ना तो इतनी मेहनत मैं अगर किसी और जगह पे मेहनत करता तो कुछ ना कुछ मुझे कोई हिसाब लग जाना था। मुझे जी आज 1 साल और 7-8 महीने हो चुके हैं चैनल बनाए हुए, अभी तक मुझे मेरे चैनल की तरफ से कोई भी इनकम नहीं हुई। तो जिन बहन भाइयों ने मेरी सपोर्ट की है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप बहन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो देखा करें, मुकम्मल वाच किया करें और ऐड के साथ वाच किया करें तो हमारी कोई हमारे को हमें कोई फ़ायदा हो। तो हम इतनी मेहनत करते हैं दिन रात लगे रहते हैं, सब काम छोड़ छाड़ के वीडियो बनाते हैं, सुबह से लेकर रात 1 बजे तक मेरा यही काम होता है कि वीडियो देखूं बनाऊं एडिटिंग करूं। ये बहुत मेहनत का काम है। जब जो बहन भाई इस चैनल पर इनके यूट्यूब पर काम कर रहे हैं उनको पता है कि कितना मेहनत का काम है। अगर इस पर कोई फ़ायदा ना हो, कोई व्यूज़ ना आए तो फिर इस चैनल का फ़ायदा नहीं है कोई, इसको बनाना फजूल है। इंटरनेट का बिल भी होता है, अभी 1500 रुपया महीना इंटरनेट का बिल है और बिजली के बिल हैं, घर के अखराजात हैं और भी बहुत सारे अखराजात हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई मेडिकल है, कोई इनका कोई घर में कोई बीमार सीमार है, कहीं आना जाना पड़ता है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है सिस्टम। लो जी शाम का टाइम है, गैस मोटर में चली गई है। आई की दोस्ती ना तो पहले जलील होगी थी और भी जलील होगी। अच्छा इसीलिए आज बेगम का गुस्सा बहुत है, हाई 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 है। दूसरा चूल्हा ला दे, दूसरा चूल्हा ला के दूं ये नहीं ठीक है, इधर उठ जाती है सर जल जाती है। चलो जी मैं दूसरा चूल्हा लेके दे दूंगा, ये फिर वापस करें उनको। चलो जी
ये आपको यानी कि चलाना मुश्किल है। लकड़ियाँ तो हम ला के देते, लकड़ियाँ ला दे तो फिर कोले हो या कोलों के साथ रोटी अच्छी बन जाती। ये जो हवा तो हवा बन जाती है, वो बच्चा ना कर आज आके ना सारा ब्लेम मेरा ही निकल आता है कि आप लकड़ियाँ नहीं ला के देते, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। तो जी मैं तो फिर बंदे चुप बैठा ही चंगा वा वीडियो बनाने वालों। तो देखो जी मैं जब भी इधर आता हूँ ना बेगम के पास, जब ये खाना बना रही होती है तो ये कुछ ना कुछ वो क्या होता है उसको कहते हैं नुक्स के, वो क्या कहते हैं नुक्स ही होता है उसको जो मेरा निकाल देती हैं कि जी ये सारा कसूर आपका है जी, मेरा कसूर निकाल देती हैं। तो अब बेहतर है कि बंदे आराम से जाके बैठ जाओ उधर, अपना काम से काम रख और इन औरतों को ना छेड़, ऐसे ही है।